गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी का, काड़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बांटे चोट गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मारकर और गड़गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को गुरु निकालते हैं गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं त्रैलोक मतलब तीनों लोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया जो गुरु बसे सी समुंदर तीर एक पलक बिस्रे नहीं जो गुड़ हो शरीर इसका मतलब है यदि गुरु वाराणसी से वाराणसी में निवास करें और शिष्य समुन्दर के निकट हो परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होना होगा जो गुरु के एक क्षण भी नहीं भूलेगा लक्ष्य कोष जो गुरु बसे शब्द तुरी अवसार है छिन्न आव छिन जाए इसका मतलब है यदि गुरु लाख कोष पर निवास करते हो तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाते रहो गुरु के सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास क्षण भर आते जाते रहना चाहिए भाव गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक होता रहेगा गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीरता दास को दीन लोक भय नाही गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो कबीर साहब कहते हैं ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक में भय नहीं है <स्थाथ> गुरु ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिटे न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को गुरु बिन मिटे न दोष गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन बचन के दोष नहीं मिटते गुरु सो प्रीति निवाहिए, जही तन निवहे संत प्रेम बिना ढिग दूर है प्रेम निकट गुरु कंत जैसे बने वैसे गुरु संतों के प्रेम का निर्वाह करो निकट होते हुए भी प्रेम बिना वे दूर हैं और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही हैं गुरु गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर आठ पहर निरखत रहे मूर्ति की ओर इसका अर्थ है गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य हैं अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो भाव सदैव गुरु ज्ञान में मन रखो गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की कह चली नहीं नरक में ठौर गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य देव गोसाई का भरोसा करता है उन उसकी सुख संपत्ति की कौन बात चलावे उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता गुरु मूर्ति आगे खड़ी द्वितीय भेद कछु नाही उन्हीं प्रणाम करी सकल तिमिर मिट जाही चैतन्य गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है या जो भी आपके गुरु गुरु हैं उनकी मूर्ति आगे खड़ी है उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो उन्हीं की सेवा बंदिनी करो फिर सब अंधकार मिट जाएगा ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवाते पाई ये सदगुरु चरण निवास ज्ञान संत समागम सबके प्रति प्रेम निर्वासनिक सुख दया भक्ति सत्य स्वरूप में विश्वास और सदगुरु की शरण में निवास ये सब गुरु की सेवा से मिलते हैं शिष खाड़ा गुरु मकस, मस्कला चढ़े शब्द खरसान शब्द सह सम्मुख रहे निपजे शीश सुजान शिष्य तलवार है गुरु सिकलीगर है वे निर्णय स्वरूपी शान पर उसे चढ़ाकर मशक्कला देते हैं जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है और सम्मुख रहता है वह बुद्धि विषय ज्ञान से परिपुष्ट हो जाता है जल परमाणे माछली कुल परमाण शुद्धि जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि छोटे छोटे तालाब मछली समुद्र आदि के जल के परिणाम अनुसार ही छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं और ऊँच कुल खानदान के अनुसार प्रायः स्वाभाविक कम विशेष शुद्धि रहती है इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिलता है उसको वैसी बुद्धि मिलती है